Yes, WhatsApp, this is Bilal. Jai hai best gaming phone under 40,000. इस वीडियो से पहले हमने बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 25,000 और बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 50,000 पे वीडियो बनाई थी और दोनों वीडियो पे आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया और बहुत से कमेंट आ रहे थे आपको बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 40,000 चाहिए, तो इस वीडियो में मैंने बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 40,000 आपको इस वीडियो में बताया है। फोन कौन सा है, आपको कैसे मिलेगा, वैसे इस पे आपको पबजी पे 90 FPS ग्राफिक्स मिलते हैं, इस प्राइस कैटेगरी में आपको और फोन मिलते हैं जैसे पोको एक्स 3 प्रो, तो वहाँ पे आपको स्मूथ पर आप एक्सट्रीम खेल सकते हो, लेकिन इस पे आप स्मूथ पे 90 FPS तक खेल सकते हो। चैनल पे पहली बार है और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि जब भी मैं ऐसी न्यू वीडियो अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो फोन है बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 40,000 वो है OnePlus का OnePlus 7T। इस पे आपको दो वर्जन मिलते हैं, एक इसका ग्लोबल वर्जन आता है और दूसरा आता है टी सीरीज वाला वर्जन। अब देखिए मैं आपको ग्लोबल वर्जन ही रिकमेंड करूंगा। टी वर्जन आपको वहां पे आपको थोड़े लैगिंग इशू मिलेंगे, हीटिंग इशू मिलेंगे, थोड़ा सॉफ्टवेयर पे आपको बग मिलता है, लेकिन आप अगर ग्लोबल वर्जन में लेते हो तो आपको ये सारी चीजें से आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला। एक अच्छे गेमिंग फोन के लिए चिपसेट का सिर्फ अच्छा होना जरूरी नहीं होता, अगर आपको डिस्प्ले और रोम और वेरिएंट अच्छा नहीं मिलता तो गेमिंग फोन अधूरा ही होता है। अगर मैं आपको इसके डिस्प्ले के बारे में बताता हूं तो यहां पे आपको फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, HDR 10 प्लस की सपोर्ट मिलती है और इसकी स्मूथनेस बढ़ाने के लिए यहां पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। अब यही रीजन है यहां पे आपको PUBG पे 90 FPS पे ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपको इसके प्रोसेसर की बात करूं तो यहां पे आपको एक पावरफुल चिपसेट मिलता है इस प्राइस कैटेगरी में, Snapdragon 855 प्लस वाला। इस चिपसेट की परफॉर्मेंस आपको बहुत ही तगड़ी देखने को मिलती है। अगर मैं आपको इसके PUBG ग्राफिक्स के बारे में बताता चलूं तो यहां पे आप स्मूथ पर 90 FPS खेल सकते हो, बैलेंस पे आप एक्सट्रीम खेल सकते हो, HD पे भी एक्सट्रीम और HDR पे भी भाई एक्सट्रीम खेल सकते हो। अल्ट्रा HD का ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ, अगर आप इसको डाउनलोड कर देंगे तो यहाँ पे आपको अल्ट्रा HD का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। हीटिंग इशू के बारे में आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको हीटिंग इशू थोड़े थोड़े देखने को मिलेंगे। अगर आप AC रूम में आपको इसको यूज करो तो आपको हीटिंग इशू थोड़े कम मिलेंगे, अगर आप इसको वार्म जगह पे यूज करो थोड़े आपको हीटिंग इशू देखने को मिलते हैं इस फोन पे। आप इसको गेमिंग के अलावा भी यूज करोगे तो आपको डेली यूजेज के लिए भी आपको बेटर ऑप्शन देखने को मिलता है इस फोन पे। इसका कैमरा आपको अच्छा मिलता है, डिस्प्ले अच्छा आपको मिलता है, डिजाइन आपको अच्छी देखने को मिलती है, हैंड फील भी आपको अच्छी मिलती है इस फोन पे। अगर आप इसको गेमिंग के अलावा भी लेना चाहते हो तो बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको देगा। अगर आप कोई भी 40,000 तक गेमिंग फोन लेने की सोच रहे हो तो आप OnePlus 7T को खरीद सकते हो। अगर आपको ये फोन चाहिए तो आप फेफी मोबाइल शॉप से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं कॉन्टेक्ट आपको अभी शो करवा रहा हूं। क्या लगता है ये बेस्ट गेमिंग फोन है या नहीं, मेरे लिए आपसे ये बेस्ट गेमिंग फोन है, तो आपको क्या लगता है आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताओ। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।